1 नवंबर से आपके मोबाइल पर ओटीपी और अन्य इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आएंगे। बैंक का काम हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, लेकिन ट्राई के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम के कारण ओटीपी और अन्य इंपॉर्टेंट मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है। अब क्या है पूरी खबर, ट्राई ने ऐसा नियम क्यों बनाया और आदेश भी पारित कर, जियो, एयरटेल, वीआई या फिर बीएसएनएल वालों का क्या हो, क्या नए नियम लाने के पीछे देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड तो एक बड़ी वजह नहीं है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ट्राई ने जो टेलीकॉम नियमों में बड़ा बदलाव किया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। ट्राई ने टेलीकॉम नियमों में बड़ा बदलाव किया, नए नियम को 1 नवंबर 2024 से देश भर में लागू कर दिया जाएगा। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया कि वो 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसेबिलिटी को लागू करें। अब क्या है नया मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम, इसको आसान भाषा में समझो। देखिए, 1 नवंबर से आपके फोन पर आने वाली सभी मैसेज पर निगरानी जो है तेज हो जाएगी। आसान भाषा में कहें तो आपके मोबाइल पर आने वाले सभी तरह के फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने का नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे फर्जी कॉल और मैसेज को पहचानना आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कोई मैसेज या कॉल आपको ना मिले तो इसे ब्लॉक करने का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब 1 नवंबर की डेडलाइन वाला जो मामला है वो क्या है, उसको भी समझ। ट्राई ने अगस्त महीने में ही सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि बैंक, ई कॉमर्स, वित्तीय संस्थान से आने वाले ऐसे सभी मैसेज को ब्लॉक किया जाए जो टेलीमार्केटिंग प्रमोशन से जुड़े। ट्राई ने कहा कि टेलीमार्केटिंग मैसेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिससे उसे पहचान करने में मदद मिले कि वो प्रमोशनल कॉल है या मैसेज। अगर वो मैसेज अच्छा नहीं है या प्रमोशनल है तो मैसेज रेड फ्लैग भी लगाया जाए जिससे यूजर्स को पता होना चाहिए कि आखिर उसके मोबाइल पर आने वाली जो मैसेज जो है वो जरूरी मैसेज है या प्रमोशन। अगर ये नियम लागू होता है तो इस नियम से आने वाले समय में फ्रॉड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अब ट्राई के नए नियम पर भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी चिंता व्यक्त की। अब इस चिंता के पीछे के कारणों को समझ, देखिए असल में नए नियम के तहत बैंकों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे गए ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य कर दी गई। यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी होती है तो वो मैसेज ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख संस्थान और टेलीमार्केटर्स अभी तक इन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं है जिसके कारण ओटीपी और अन्य महत्वपूर्ण मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 अरब कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं और इन नियमों के कारण मैसेज डिलीवरी में देरी या अवरोध हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करवाने का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लॉगर मोड में नियम लागू ताकि गलतियों का पता चल सके और सुधारात्मक कदम उठाया जा सके। बता दें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के मेंबरशिप वाले संस्थान यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको कि आप COAI के नाम से जानते हैं, उसने भी इस मामले में ट्राई को एक पत्र लिखकर मोबाइल ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करने में 2 महीने की छूट मांगी है। बड़ा सवाल यही है कि सरकार और टेलीकॉम कंपनियां क्या बीच का रास्ता निकालती भी हैं या नहीं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।